नमस्कार मित्रों, अभी जैसा ही सीबीए यानी नागरिकता संशोधन बिल आने के बाद में पूरे भारत देश का माहौल किस तरह से बदल रहा है ये हम सबको देखने को मिल रहा है। आज की बात देखिए, दिल्ली के जो जामिया जो क्षेत्र है, जो जामिया जो इलाका है, वहां पर कितने दंगाई बाहर निकलकर सीएबी के खिलाफ किस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे क्या साबित हो रहा है। बसों को जलाया जा रहा है, गाड़ियों पर जिस गाड़ी पे ओम या काशे झंडा दिख रहा है, जिस भी गाड़ी पर अगर इनको महसूस हो रहा है कि ये किसी तिलकधारी की गाड़ी है तो तुरंत उस गाड़ी पर हमला किया जा रहा है। दिल्ली जल रही है और दुर्भाग्य की बात देखिए, जो आम आदमी पार्टी का जो विधायक है वो लीड कर रहा है इस दंगे के पीछे। सरकारी वाहनों को जलाने के पीछे विधायक लीड कर रहा है आम पार्टी का। यानी क्या गोधरा जैसा माहौल दिल्ली में बनाने का क्या षड्यंत्र रच रहे हैं? क्या इस दंगे फसाद में जो सरकारी वाहनों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो सरकारी वाहनों में जो महिलाएं बैठी हुई है उनके सर फूट रहे हैं, उनका खून निकल रहा है, क्या इस आगजनी के पीछे क्या केजरीवाल का हाथ है? जब उनके विधायक डायरेक्टली इस दंगे फसाद आगजनी में इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं केजरीवाल भी तो इन्वॉल्व होगा। भारत देश के उन तमाम भारतीयों को मैं कहना चाहूंगा, जो सीएबी जो बिल पास हुआ है ये भारत देश की रक्षा के लिए है। जो अदर कंट्री में जो हमारे ही भारत देश के जो नागरिक है, जो इस्लामिक स्टेट में जहां हमारे भारत देश के जो लोग रहते हैं, जो इस्लामिक स्टेट में जो उनको अधिकार नहीं दिया जाता, उनको स्वीकार नहीं किया जाता, उन पे जो जुल्म किया जाता, वो लोगों को डायरेक्टली भारत देश में आ सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत देश के मुसलमानों को खतरा नहीं है। जो आज भारत देश का जो मुसलमान जो आज डर रहा है कहीं ना कहीं, तो मैं भारत देश के मुसलमान को ये कहना चाहूंगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत देश हम सबका है, लेकिन जो गैर भारतीय है, जो अदर कंट्री से जो देशद्रोही, जो रोहिंग्या मुसलमान, जो बांग्लादेशी मुसलमान जो हमारे देश में घुसकर बैठे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, जैसे बंगाल हो या आसाम हो या तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो या गुजरात हो या तमिलनाडु हो या केरला हो, ऐसे कई राज्यों में जो दूसरे कंट्री के जो आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको निकालने का एक बहुत अच्छा कार्य है। मैं भारत देश के उन तमाम लोगों को ये कहना चाहूंगा, इस बिल के समर्थन में सारे के सारे भारतवासी खड़े रहे। बिल पास हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता, भले ही तुम कुछ क्यों ना कर लो, लेकिन हाँ ये बिल बिल्कुल अच्छा है। भारत देश की सुरक्षा होगी। भारत देश में जो अनेकों नागरिक, जिसे पाकिस्तान से हो, कश्मीर से हो, यानी अनेकों जो अलग अलग कंट्रियों से जो हमारे भारत देश में आज हमारे भाई जो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उनको बिल्कुल भी हम नागरिकता हम दे सकते हैं, उनको ये बिल वो अधिकार देता है। लेकिन आज दिल्ली में, आसाम में, जो बंगाल में जिस प्रकार से जो तोड़ फोड़ आगजनी जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये भारत देश के नहीं है, ये आतंकवादी है, ये बांग्लादेशी मुसलमान है, ये रोहिंग्या मुसलमान है। भारत देश की जनता को आज समझने की आवश्यकता है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, इनका विरोध करें। जामिया, दिल्ली के जामिया के आजू बाजू जितने भी जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, जो जामिया इलाके में जो दंगा फसाद करे, इनको मुंह तोड़ जवाब दो। आप लोग जहां जहां पर ये दंगाई रोड पर आते हैं उनको जवाब दो सब लोग। आज पुलिस पर पथराव किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सरकार से, क्यों खामोश है? क्यों इन दंगाइयों के ऊपर तुम लोग लाठीचार्ज नहीं करते? क्यों इन दंगाइयों के ऊपर तुम लोग गोली नहीं चलाते? मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं, ये लोग नहीं चलाएंगे क्यों? क्योंकि इन दंगाइयों के पीछे, इन दंगाइयों को पूरा का पूरा आशीर्वाद
आम पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल का आशीर्वाद। इतना ही कहते हुए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, संगठित होकर इस बिल का स्वागत करें और जो भी इस बिल के खिलाफ खड़े होता है उसको मुंहतोड़ जवाब दें। नमस्कार मित्रों, अभी जैसा ही सीबीए यानी नागरिकता संशोधन बिल आने के बाद में पूरे भारत देश का माहौल किस तरह से बदल रहा है ये हम सबको देखने को मिल रहा है। आज की बात देखिए, दिल्ली के जो जामिया जो क्षेत्र है, जो जामिया जो इलाका है, वहां पर कितने दंगाई बाहर निकलकर सीएबी के खिलाफ किस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे क्या साबित हो रहा है। बसों को जलाया जा रहा है, गाड़ियों पर जिस गाड़ी पे ओम या काशय झंडा दिख रहा है, जिस भी गाड़ी पर अगर इनको महसूस हो रहा है कि ये किसी तिलकधारी की गाड़ी है तो तुरंत उस गाड़ी पर हमला किया जा रहा है। दिल्ली जल रही है और दुर्भाग्य की बात देखिए, जो आम आदमी पार्टी का जो विधायक है वो लीड कर रहा है इस दंगे के पीछे। सरकारी वाहनों को जलाने के पीछे विधायक लीड कर रहा है आम पार्टी का। यानी क्या गोधरा जैसा माहौल दिल्ली में बनाने का क्या षड्यंत्र रच रहे हैं क्या? क्या इस दंगे फसाद में जो सरकारी वाहनों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो सरकारी वाहनों में जो महिलाएं बैठी हुई है उनके सर फूट रहे हैं, उनका खून निकल रहा है, क्या इस आगजनी के पीछे क्या केजरीवाल का हाथ है? जब उनके विधायक डायरेक्टली इस दंगे फसाद आगजनी में इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं केजरीवाल भी तो इन्वॉल्व होगा। भारत देश के उन तमाम भारतीयों को मैं कहना चाहूंगा, जो सीएबी जो बिल पास हुआ है ये भारत देश की रक्षा के लिए है। जो अदर कंट्री में जो हमारे ही भारत देश के जो नागरिक है, जो इस्लामिक स्टेट में जहां हमारे भारत देश के जो लोग रहते हैं, जो इस्लामिक स्टेट में जो उनको अधिकार नहीं दिया जाता, उनको स्वीकार नहीं किया जाता, उन पे जो जुल्म किया जाता, वो लोगों को डायरेक्टली भारत देश में आ सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत देश के मुसलमानों को खतरा नहीं है। जो आज भारत देश का जो मुसलमान जो आज डर रहा है कहीं ना कहीं, तो मैं भारत देश के मुसलमान को ये कहना चाहूंगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत देश हम सबका है, लेकिन जो गैर भारतीय है, जो अदर कंट्री से जो देशद्रोही, जो रोहिंग्या मुसलमान, जो बांग्लादेशी मुसलमान जो हमारे देश में घुसकर बैठे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, जैसे बंगाल हो या आसाम हो या तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो या गुजरात हो या तमिलनाडु हो या केरला हो, ऐसे कई राज्यों में जो दूसरे कंट्री के जो आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको निकालने का एक बहुत अच्छा कार्य है। मैं भारत देश के उन तमाम लोगों को ये कहना चाहूंगा, इस बिल के समर्थन में सारे के सारे भारतवासी खड़े रहे। बिल पास हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता, भले ही तुम कुछ क्यों ना कर लो, लेकिन हाँ ये बिल बिल्कुल अच्छा है। भारत देश की सुरक्षा होगी। भारत देश में जो अनेकों नागरिक, जिसे पाकिस्तान से हो, कश्मीर से हो, यानी अनेकों जो अलग अलग कंट्रियों से जो हमारे भारत देश में आज हमारे भाई जो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उनको बिल्कुल भी हम नागरिकता हम दे सकते हैं, उनको ये बिल वो अधिकार देता है। लेकिन आज दिल्ली में, आसाम में, जो बंगाल में जिस प्रकार से जो तोड़ फोड़ आगजनी जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये भारत देश के नहीं है, ये आतंकवादी है, ये बांग्लादेशी मुसलमान है, ये रोहिंग्या मुसलमान है। भारत देश की जनता को आज समझने की आवश्यकता है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, इनका विरोध करें। जामिया, दिल्ली के जामिया के आजू बाजू जितने भी जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, जो जामिया इलाके में जो दंगा फसाद करे, इनको मुंह तोड़ जवाब दो। आप लोग जहां जहां पर ये दंगाई रोड पर आते हैं उनको जवाब दो सब लोग।
आज पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सरकार से, क्यों खामोश है? क्यों इन दंगाइयों के ऊपर तुम लोग लाठीचार्ज नहीं करते? क्यों इन दंगाइयों के ऊपर तुम लोग गोली नहीं चलाते? मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं, ये लोग नहीं चलाएंगे क्यों? क्योंकि इन दंगाइयों के पीछे, इन दंगाइयों को पूरा का पूरा आशीर्वाद आम पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल का आशीर्वाद। इतना ही कहते हुए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, संगठित होकर इस बिल का स्वागत करें और जो भी इस बिल के खिलाफ खड़े होता है उसको मुंह तोड़ जवाब दें।